मेरे प्रिय भाई और बहनों, कई दिन पहले एक युवती मेरे पास आई थी, करीब 35 साल की। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम पहली बार यहां पे आ रही हो? उसने कहा नहीं, ये चौथी बार है। तो मैंने पूछा कि तुम मुझसे कभी मिलने नहीं आई? उसने कहा मुझे आपसे मिलने के वो डर लगता था। मैंने पूछा क्यों? क्योंकि मैं गंदी थी। कैसे? मेरा एक इंसान के साथ बहुत बुरा रिश्ता था कुछ सालों से। उस युवती को दोष भावना सता रही थी। मैंने उसे सवाल किया, तुम ही बताओ, तुमने लूकस के सुसमाचार के अध्याय 15 के उड़ाव पुत्र का दृष्टांत सुना है। जब उड़ाव पुत्र होश में आ जाता है, तंगी में था, परेशान था, अपने पिता के भवन की ओर चल पड़ा और पिता ने उसको दूर से देखा, तो पिता ने क्या किया? क्या पिता ने अपने नौकरों से कहा कि लाठी ले आओ, एक डंडा मारूंगा वो समझ जाएगा? क्या पिता ने ऐसा किया? नहीं। मिलते समय क्या पिता ने उसे पूछा कि मेरी संपत्ति को तुमने कैसे बर्बाद किया, इसका पूरा हिसाब दो? नहीं। पिता ने क्या किया? पिता ने उसको गले से लगाया और क्या किया? बार बार चुंबन किया। सुअर चराने वाला वो लड़का, उसकी क्या स्थिति रही होगी? उस स्थिति में पिता ने उसको अपनाया, गले से लगाया और बार बार चुंबन किया। इस दुनिया में बहुत सारे लोग दोष भावना के शिकार हैं, अपराध बोध के शिकार हैं। इसयास नबी के ग्रंथ के अध्याय 44 वाक्य 22 में प्रभु कहते हैं, मैंने बादल की तरह तुम्हारे अपराध, कोहरे की तरह तुम्हारे पाप मिटा दिए। तुम मेरे पास लौटो क्योंकि मैं तुम्हारा उद्धारक हूं। और एक बात सुनिए, प्रभु कहते हैं मैंने बादल की तरह तुम्हारे अपराध, कोहरे की तरह तुम्हारे पाप मिटा दिए। प्रभु कहते हैं कि मैंने तुम्हारे पापों को मिटा दिया है। इसके बावजूद बहुत सारे लोग दोष भावना के शिकार हैं, दोष भावना में जीते हैं। वे महसूस करते हैं कि मैं या हम अपने ही नजरों में गिर चुके हैं, इसलिए सिर उठाकर लोगों के साथ बात नहीं कर पाते, हिम्मत के साथ लोगों के सामने पेश नहीं आ पाते। हम सुसमाचार के यूदास करियोती का उदाहरण लेंगे। यूदास ने यीशु को चांदी के 30 सिक्कों के लिए पकड़वा दिया था। शायद यूदास ने कभी नहीं सोचा था कि धर्मगुरु यीशु को मरवा डालेंगे। जब उसको पता चला कि यीशु क्रूस ढोकर कलवारी पहाड़ की ओर जा रहे हैं और वहां पे मार डाले जाएंगे, तो उसको अपराध बोध हुआ कि मैंने अपराध ही किया, मैंने गलती की। उसने अपनी गलती का एहसास किया, लेकिन उसकी कमजोरी क्या थी? उसने सिर्फ अपने पाप को देखा। मैंने एक धर्मात्मा को पकड़वा दिया, जिस इंसान के साथ मैं 3 साल रहा, मैंने उसको पकड़वा दिया चांदी के 30 सिक्कों के लिए, और इसलिए अभी वो मार डाला जा रहा है। यूदास ने सिर्फ अपने पाप की ओर ही दृष्टि लगाया था, उसने दूसरी तरफ ईश्वर की दया की ओर दृष्टि नहीं लगाया। उसने ईश्वर की दया के बारे में नहीं सोचा, हालांकि 3 साल वो लगातार यीशु से ईश्वर की दया और करुणा के बारे में सुना था, यीशु के महान कार्यों को देखा था, करुणापूर्ण कार्यों को देखा था, लेकिन वह ईश्वर की दया की ओर देख नहीं पाया, बल्कि उसने अपने अपनी अपराध की ओर ही देखा।
जब लोग आश्रम आते हैं समस्याएं लेकर, विशेष करके पाप और बुराई के शिकार होकर, मैं उनसे एक बात कहता हूं, डी फोकस ऑन योर सिन एंड फोकस ऑन द मर्सी ऑफ गॉड। अपने पाप की ओर ही मत देखते रहो, बल्कि ईश्वर की दया की ओर देखते रहो। अपने पापों से नजर हटाकर प्रभु की ओर नजर लगाओ, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ। स्तोत्रकार कहता है प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और आनंदित हो। शैतान क्या करता है? शैतान हमारे सामने प्रलोभन लाता है, किसी न किसी तरह से हमें पाप में गिराने के लिए प्रयास करता है। शैतान हमसे पाप कराता है, उसके बाद वही शैतान हमें हमारे पापों को याद दिला दिला कर सताता है। शैतान कहता है कि तुमने अपराध किया, तुमने अपराध किया, तुमने अपराध किया। यूदा इस्करियोती के मन में भी यही बात थी। शैतान ने उसको अपने अधिकार में ले लिया और उसको सताया, तुमने अपराध किया, तुमने अपराध किया, इस हद तक कि यूदा इस्करियोती ने जाकर आत्महत्या की। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 12 वाक्य 10 में हम पढ़ते हैं शैतान के बारे में, वह हमारा अभियोक्ता है, अभियोग लगाने वाला, हमें बार बार याद दिलाने वाला, 10 साल पहले क्या हुआ था, 25 साल पहले क्या हुआ था, 30 साल पहले क्या हुआ था, तुमने पाप किया, तुमने पाप किया। शैतान उसी बात को याद दिला दिलाकर हमें सताता है। कई शराबी भाई बहन, नशेड़ी भाई बहन अपना नशा छोड़ नहीं पाते हैं सिर्फ दोष भावना के कारण। शराब पीने के बाद लोग बोलते हैं शराबी है, अब वो स्वयं महसूस करता है कि मैंने पाप किया, मैंने अपराध किया, मैंने अपने आप को बर्बाद किया, मैंने अपने परिवार को बर्बाद किया है। प्रभु की दया के पास आने के बजाय वो सोचता है कि अब मैं बच नहीं सकता हूं और पीता है। एक भाई मेरे पास आए थे और उनके 2-3 बच्चे, बड़े बड़े बच्चे। उसने अपनी मां से एक बार कहा, बहुत ज्यादा शराब पीता है, उसकी मां से कहा कि मां मुझे जहर दिला खिला दीजिए, मुझे जहर खिला दीजिए। कई लोगों को दोष भावना सताती है। एक बहुत सुंदर उदाहरण है, एक उदाहरण ही बताऊं। एक बार एक जगह पर एक मसीही नारी को प्रभु का दर्शन होता था, बार बार प्रभु का दर्शन होता था। प्रभु के दर्शन प्राप्त करने से उस नारी के अंदर बहुत आध्यात्मिक शक्तियां आई, तो उस नारी के चारों ओर बहुत सारे लोग आने लगे। जितने लोग गिरजाघर में जाते थे उससे ज्यादा लोग उस नारी के घर पे जाने लगे। गिरजाघर के फादर ने जाकर बिशप से कहा कि बिशप स्वामी जी, देखिए ना, लोग उसके घर पे ज्यादा जाते हैं, गिरजाघर में कम आते हैं। तो बिशप स्वामी जी ने सोचा कि मैं उसको बुलाऊंगा अपने पास। उस नारी को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा, मुझे सुनने को मिला कि तुमको प्रभु का दर्शन होता है, ये सच्चाई है क्या? उसने कहा हाँ स्वामी जी। तो बिशप स्वामी जी उसको टेस्ट करना चाहते थे, उसकी परीक्षा लेना चाहते थे। बिशप स्वामी जी ने कहा कि ठीक है ठीक है, मैं आपकी बात को मानने को तैयार हूं, लेकिन तुम एक काम करो, अगली बार जब प्रभु तुमको दर्शन देंगे तो प्रभु से पूछना कि बिशप स्वामी जी के क्या क्या पाप हैं और तुम मुझे बताओगी। कई दिनों के बाद बिशप स्वामी जी ने उस नारी को बुलाया अपने पास और पूछा कि क्या तुमने प्रभु से पूछा कि बिशप स्वामी जी के क्या क्या पाप हैं? उसने कहा मैंने पूछा। तो प्रभु ने क्या कहा? उसने कहा, प्रभु ने कहा, मैं भूल गया हूं, मुझे याद नहीं है। एक बहुत सुंदर वचन है इस्यास नबी अध्याय 43 उसके वाक्य 25 में। इस्यास अध्याय 43 वाक्य 25 में वहां पे क्या लिखा हुआ है? प्रभु कहते हैं, मैं वही हूं जो अपने नाम के कारण तुम्हारे अपराध सब अपराध धो डालता है,
मैं वही हूं जो अपने नाम के कारण तुम्हारे सब अपराध धो डालता है, मैं तुम्हारे पाप फिर याद नहीं करता, मैं तुम्हारे पाप फिर याद नहीं करता। मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूं, ईश्वर की दया के सामने, ईश्वर के प्रेम के सामने हमारे पाप कुछ नहीं है। ईश्वर की करुणा दया प्रेम की तुलना में हमारे पाप कुछ नहीं है, सब धुल जाते हैं। प्रभु हमारे सारे पाप और अपराधों के कलंक को मिटाने में समर्थ हैं। इसायास अध्याय 1:18 को पढ़िए, तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे हिम की तरह श्वेत हो जाएंगे, उज्जवल हो जाएंगे। मीका नबी का ग्रंथ उसके अध्याय 7:9-19 में हम पढ़ते हैं, वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अपराध पैरों तले रौंदेगा और हमारे सभी पाप गहरे समुद्र में फेंकेगा। प्रभु के बारे में लिखा हुआ है, वह फिर हम पर दया करेगा, हमारे अपराध पैरों तले रौंदेगा और हमारे सभी पाप गहरे समुद्र में फेंकेगा। प्रभु ईश्वर ये करने में समर्थ है। वास्तव में बाइबल की का ये बहुत बड़ा प्रकाशन है। बाइबल में जिस प्रभु के बारे में बताया गया है वो प्रभु ऐसे चमत्कारी प्रभु हैं जो बड़े से बड़े अपराधी और पापी को धो डालते हैं और उसका ताजा बना देते हैं, बड़े संत बना देते हैं। कैथोलिक कलीसिया में संत अगस्तीन को एक महान स्तंभ माना जाता है। अगस्तीन के युवावस्था पाप में बीती, अगस्तीन ने अपराध किया लेकिन बाद में प्रभु ने उसको इस तरह स्वच्छ किया, स्वतंत्र किया, आजाद किया, आज वो कलीसिया के लिए एक स्तंभ के रूप में खड़े हैं। हमारा प्रभु हमारे पापों को क्षमा करने में सक्षम है। मूसा ने प्रभु से कहा कि अपने आप को दिखाइए मुझे, तो प्रभु ने कहा कि तुम मुझे नहीं देख सकते हो। और प्रभु ने अपने आप को प्रकट किया, हम निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 में पाते हैं, उसके वाक्य 6 में प्रभु ने उसके सामने से निकलकर कहा, प्रभु प्रभु एक करुणामय तथा कृपालु ईश्वर है, वो देर से क्रोध करता और अनुकंपा तथा सत्य प्रतिज्ञता का धनी है। एक बहुत बड़ा प्रकाशन है। मूसा से प्रभु ने क्या कहा, मूसा से प्रभु ने कहा कि प्रभु प्रभु एक करुणामय तथा कृपालु ईश्वर है, वह देर से क्रोध करता और अनुकंपा तथा सत्य प्रतिज्ञता का धनी है। प्रभु ने अपना स्वभाव मूसा को दिखाया, मूसा के सामने प्रकट किया। इसी बात को हम जोना नबी के ग्रंथ के अध्याय 4:2 में पढ़ते हैं कि प्रभु करुणा सागर है, देर से क्रोध करने वाला अनुग्रह का धनी। नहमिया के ग्रंथ के अध्याय 9:17 में पढ़ते हैं कि हमारा प्रभु ईश्वर करुणामय प्रभु है। जोएल के ग्रंथ के अध्याय 2:13 में पढ़ते हैं हमारा प्रभु ईश्वर करुणामय प्रभु है, अनुग्रह का धनी है। स्तोत्र 103 को पढ़िए, स्तोत्र 103 उसके वाक्य 8-10 तक, स्तोत्र 103 उसके वाक्य 8-10 तक हम इस तरह पढ़ते हैं, प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वो सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वो सहनशील और अत्यंत प्रेममय है, वो सदा दोष नहीं देता और चिरकाल तक क्रोध नहीं करता। एक बार आपने पाप किया वो प्रभु ईश्वर याद नहीं करता है
और सदा के लिए आपके प्रति क्रोध ही नहीं रहता है, चिरकाल तक क्रोध नहीं करता, वह न तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता और न हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। विश्वास नहीं कर पाते हैं क्योंकि संसार में हमारा अनुभव कुछ अलग है, मनुष्यों से हमारा अनुभव कुछ अलग है, इसीलिए हम लोग इस बात पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैंने सैकड़ों लोगों के जीवन में यह देखा है, इतने बड़े अपराधी इतना पवित्र व्यक्ति बन गया है। वचन में आपने सुना, वह न तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता है और न हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। हमारे पापों के अनुसार वो हमारे साथ व्यवहार नहीं करता है। हम लोग क्या करते हैं, दूसरों की गलती के अनुसार हम लोग व्यवहार करते हैं। अगर उसने हमें गाली दी है, हमें चोट पहुंचाई है, उसके अनुसार हम लोग व्यवहार करते हैं। ये हमारा प्रतिदिन का अनुभव है, इसीलिए हम विश्वास नहीं कर पाते हैं कि ऐसा ईश्वर हो सकता है जो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार नहीं करता और हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड नहीं देता है। लूकास अध्याय 15 के उड़ाव पुत्र का बड़ा भाई, जब वो घर आ रहा था, उसको सुनाई दी आवाज, साजों की आवाज, खुशी की आवाज। उसने नौकरों से पूछा कि क्या हुआ है। नौकरों ने कहा कि आपका छोटा भाई वापस आ गया है। वो क्रोध हुआ, मेरा छोटा भाई जिसने संपत्ति उड़ा दी होगी और न जाने कहां कहां गया था, पिता का तिरस्कार किया, मेरा पे तिरस्कार किया, वापस आए तो इतनी खुशी क्यों, इतना आनंद क्यों। संसार समझ नहीं पाता है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है, वह न तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता और न हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। एक सच्चाई है, यह एक सच्चाई है। हम प्रभु यीशु को देखें, लूकास के सुसमाचार की अध्याय 19 में हम पढ़ते हैं, जकेबुस जो सामाजिक अपराधी माना जाता था, जिसको यहूदी समुदाय ने पापी कहा था, प्रभु यीशु उसी के यहां मेहमान बनकर जाते हैं। और प्रभु कहते हैं, जो खो गया था मानव पुत्र उसी को ढूंढने और बचाने आया है। जहां कहीं भी खो गए हो, मानव पुत्र ढूंढने और बचाने आया है। सुसमाचारों में हमें इसका सुंदर सुंदर प्रमाण मिलता है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 9 वाक्य 13 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु खुलेआम घोषित करते हैं, मैं धर्मियों के लिए नहीं आया हूं बल्कि पापियों को बुलाने आया हूं। मैं धर्मियों के लिए नहीं आया हूं बल्कि पापियों को बुलाने आया हूं। इसलिए प्रभु यीशु पापियों के प्रति एक विशेष प्यार रखते थे। पापी प्रभु की उपस्थिति में बहुत अपनापन महसूस करते थे और पाप को त्याग देते थे। यौहन के सुसमाचार के अध्याय 3 वाक्य 17 में प्रभु यीशु कहते हैं, ईश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए बल्कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। प्रभु यीशु अपने आगमन के बारे में कहते हैं, संसार में मैं इसलिए नहीं आया हूं कि दोषी ठहराऊं बल्कि मेरे द्वारा लोगों को मुक्ति प्राप्त हो। यौहन के सुसमाचार के अध्याय 8 उठाइए, उसके प्रारंभ में हम पढ़ते हैं कि एक व्यभिचार में पकड़ी गई नारी, वो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, यीशु के सामने लाई जाती है। यीशु से पूछा जाता है कि हम इसको छोड़ दें या इसको मार डालें, क्योंकि हमारी संहिता कहती है कि इसको पत्थरों से मार डाला जाना चाहिए। प्रभु ने कहा, तुम में से जो निष्पाप वो पहला पत्थर मारे। सबके सब चले गए। नारी प्रभु के सामने सिर लटका कर खड़ी थी।
प्रभु ने पूछा कि वे लोग कहाँ गए। नारी ने कहा सभी चले गए। तो प्रभु ने क्या कहा, वाक्य 11 में पढ़ेंगे, प्रभु ने कहा मैं भी तुमको दंड नहीं देता हूं, मैं भी तुमको दंड नहीं देता हूं, फिर पाप नहीं करना। प्रभु यीशु दंड देने नहीं आए थे, बल्कि हमें अपने हृदय से लगाने आए थे। ईश्वर के प्रेम की गर्मी का हमें एहसास कराने आए थे। हमारे पाप और अपराध कितने ही बड़े क्यों ना रहा हो, प्रभु उन सारी बातों के बावजूद हमें अपनाना चाहते हैं, हमें गले लगाना चाहते हैं और ईश्वरीय गर्मी हमारे अंदर प्रविष्ट कराना चाहते हैं। रोमियों के पत्र के अध्याय 8 उसके वाक्य 33 और 34 संत पौलुस क्या कहते हैं। रोमी अध्याय 8 वाक्य 33 और 34, जिन्हें ईश्वर ने चुना है उन पर कौन अभियोग लगा सकेगा, जिन्हें ईश्वर ने दोष मुक्त कर दिया है उन्हें कौन दोषी ठहराएगा। क्या ईसा मसीह ऐसा करेंगे, वो तो मर गए बल्कि जी उठे और ईश्वर के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। कौन हमें दोषी ठहराएगा, कोई नहीं। जिस पर प्रभु की नजर है, जिसको प्रभु ने बुलाया है, उसको कौन दोषी ठहरा सकता है। जिसके अंदर पश्चाताप आया है, जो प्रभु की नजरों के पास आया है। उड़ाव पुत्र के बारे में हम पढ़ते हैं कि उड़ाव पुत्र ने निर्णय लिया कि मैं पिता के घर की ओर जाऊंगा और वो चल पड़ा। जो ही वो चल पड़ा वो अपने पिता की नजर में आता है। जब भी हम पश्चाताप करते हैं हम प्रभु की नजर में आ जाते हैं और वहीं हमारे दोष मिटने लगते हैं, पाप और कलंक मिटने लगते हैं। देखिए यौहन क्या कहते हैं, यौहन का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 7 में, ईश्वर के पुत्र का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। ईश्वर के पुत्र का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपने पापों का हिसाब मत रखिए, कितने बार मैंने अपराध किया है। अपने आप को दोषी मत ठहराइए, अपने पापों का हिसाब मत रखिए, उसके बदले ईश्वर की दया का हिसाब रखिए। स्तोत्रकार कहता है कि मैं प्रभु की करुणा का गीत गाऊंगा, उसकी दया अपरंपार है, उसकी करुणा का गीत गाऊंगा। हिंदी में एक बहुत सुंदर गीत हम लोग पहले गाया करते थे, मैं तेरी करुणा का गीत गाता रहूंगा, मैं तेरी करुणा का गीत। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, अपने पापों को स्वीकार कीजिए, पश्चाताप कीजिए, लेकिन अपनी दृष्टि पापों से हटाकर प्रभु पर लगाइए, उसकी दया पर लगाइए, उसकी करुणा पर लगाइए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। तूने कहा जो खो गया था मानव पुत्र उसी को ढूंढने और बचाने आया है। तूने कहा ईश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वो संसार को दोषी ठहराए, बल्कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। हम में से अधिकांश लोग अपने अतीत के किए हुए अपराधों को याद करते करते अपने आप को सताते हैं। कितने लोग दोष भावना में अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं। प्रभु तेरी दया की ओर देखने के लिए उनको कृपा दीजिए। तेरी दया पर दृष्टि लगाने, तेरे अनंत प्रेम पर दृष्टि लगाने की कृपा दीजिए।
अपने पापों पर दृष्टि लगाने के बजाय तेरे क्रूस पर दृष्टि लगाने की कृपा दीजिए। तेरे सनों के प्रेम पर मनन चिंतन करने के लिए कृपा दीजिए। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा।